सांगनेर विधायक अशोक लाहोटी ने कचरे की ट्रोलियों के साथ ग्रेटर नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। विधायक लाहोटी के साथ मानसरोवर क्षेत्र की तकरीबन 300 कॉलोनियों के लोगों ने चौपट सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी रोड लाइट्स और बिगड़े हुए सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने ग्रेटर नगर निगम में अपनी ही पार्टी के बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला। निगम में महापौर रह चुके सांगनेर विधायक अशोक लाहोटी ने कई समस्याओं को लेकर ग्रेटर नगर निगम दफ्तर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों के साथ निगम कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। विधायक लाहोटी का कहना है कि नगर निगम में हालात बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर की कई कॉलोनियों में ना झाड़ू लग रही है और ना ही कचरे की गाड़ी आ रही है। वहीं लाहोटी ने पानी की निकासी, नालियों, सीवरेज की सफाई नहीं होने के आरोप लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। लाहोटी ने कहा कि शहर की कॉलोनियों में कई महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, 5 से 7 दिन में कचरे की गाड़ी एक बार आती है। जगह जगह कॉलोनियों में पानी भरा है, जिससे चारों तरफ डेंगू फैल रहा है। लाहोटी के आरोप है कि पूरा निगम प्रशासन भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, थड़ी ठेले मजदूर वर्ग से उगाही का काम कर रहा है। लाहोटी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के इशारों पर जो अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों से ब्याज सहित बदला लिया जाएगा। ये सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं मंत्री जी की है, उन्हीं आयुक्त की है जो यहाँ पर बैठ कर चांदी कूट रहे हैं। मैं एक भी काम जो मैंने बताया, एक भी काम हो रहा हो तो देख लो, ये वही नगर निगम है जिसको हमने देश में नंबर वन किया, प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया था, और आज जयपुर की 40 लाख जनता तराई तराई कर रही है। महीनों से झाड़ू नहीं लगी, 5-5, 7-7 दिन में कचरे की गाड़ियां आती है, पूरा जगह जगह कॉलोनियां पानी में डूबी हुई है, चारों तरफ डेंगू फैल रहा है, मजदूर और बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या ये राजधानी में रहे या नरक में रह रहे हैं हम लोग? उधर लाहोटी के प्रदर्शन पर कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निगम में सीमित संसाधन है, फिर भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मेयर धाबाई ने सरकार के इशारे पर निगम प्रशासन चलने के आरोप पर कहा कि नगर निगम में सरकार का कोई रोल नहीं होता। इस पद पर वो जयपुर की जनता की मेयर है। कि मैं खुद भी गई थी, वाकई में ये गलत नहीं आए हैं, इनकी जो प्रॉब्लम 400 वो लेके आए। मैं खुद सांगनेर में गई थी, वाकई में स्थिति खराब थी। पता नहीं कितने दिनों से ये नहीं हुआ था काम ढंग से, गलियां बंद पड़ी थी। और मैंने तो मेरे आने से पहले मैंने कहा था कि पार्षद, मैंने देखा था कि वो पार्षद जोन में इकट्ठे हुए हैं, तो उसको लेकर मैं गई थी। वाकई में आई वॉज शॉक्ड कि वो नालियाँ कितने दिन से सफाई नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा ये SI CSI क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई। 6-7 महीने में स्थिति बिल्कुल बहुत ख़राब थी। मैंने खुद खड़े होकर 3-4 घंटे में लगाया। आज बिल्कुल सुनिए, मैं सारी लाइट व्यवस्था जो ये लेके आए, एक पीड़ा है, आम आप नागरिक की पीड़ा है, जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके पास जाते हैं। आज जिस प्रकार ये 400 लेके आए, वाकई में सोचने वाली बात है कि एक दिन का तो है नहीं, 10 दिन का है नहीं, ये बहुत काफ़ी समय से ही नहीं हुई है, तो वो लेके आए। अब मैं सब जितनी भी समस्याएं आई हैं, इन सबको 10-10, 20-20 करके सबको बिठा दूंगी लोगों को, और एक एक जब ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, 400 के 400 ये कंप्लेंट रिपोर्ट है, मैं इन विधायक जी को दूंगी और फिर बुलाऊंगी इनको कि देख लो आपकी ये जो समस्याएं हल हो गई, और आगे जो भी समस्याएं होंगी हम उनको भी हल करेंगे। वहीं निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए संसाधन लगातार खरीदे जा रहे हैं। जयपुर में जितने भी होपर हैं उन सभी को हायर किया हुआ है, साथ ही इसके लिए एक बड़ा टेंडर और किया जाएगा। जयपुर में जितने संसाधन उपलब्ध है, ये मैं अनेक बार सुनिश्चित कर चुका हूँ, जितने भी हुपर्स या JCB या लोडर्स किराए पे भी उपलब्ध हैं उनको हमने ले रखा है। हमने ये ओपन, हमारा आमंत्रण भी है कि कहीं और संसाधन उपलब्ध हो तो हमें बताएं या हमें उपलब्ध कराएं, हम किराया देंगे जो भी निर्धारित किराया है। तो रात दिन हम लग रहे हैं। अभी इन्वेस्ट राजस्थान में राज्य सरकार स्तर पर भी इस बात को माना गया कि निगम ने अच्छा काम किया है, और एक तिनका भी नहीं था। निगम कमिश्नर का दावा है कि अगले एक सप्ताह में ग्रेटर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाली किसी भी रोड पर गड्ढे नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने करीब 8,000 लाइटें लगाने का दावा भी किया, जिससे कि त्योहारी सीजन में शहर की रौनक बढ़ेगी। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।